बिजनेस। हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपी टेक्स स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां हम सीखते हैं कंप्लीट वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। दोस्तों, यहां पे मेरे कुछ मंथ लिखे हुए हैं और आप देख पा रहे हैं मेरे मंथ। मुझे इस मंथ में हाईलाइट करनी है, तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे सर्च मंथ देता हूँ, और सर्च मंथ में अगर मैंने यहाँ पे जैन दिया तो इसके अंदर जैन जहां जहां भी आएगा वो हाईलाइट, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले से आ रहा है। फिलहाल तो मैंने रैन बिटवीन के फॉर्मूले के साथ इसको कंबाइन किया हुआ, तो रैंडम देते रहता है, तो जो भी यहाँ मंथ डालू उस मंथ में यहाँ हाईलाइट हो जाए। तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं अगर आप टाइप करना चाहते हैं तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहां आएंगे इक्वल टू, और इक्वल टू में मैंने यहां पे जैन दे के ओके कर दिया। अब देखिए, जहां जहां जैन है वहां कलर से हाईलाइट हो गया। हाईलाइट कलर भी है, इक्वल टू करते समय मैं अपना सिलेक्ट कर सकता हूं, जो कि आप यहां देख सकते हैं मैं अपना कलर सिलेक्ट कर सकता हूं। अब यहाँ पे जो भी मंथ चेंज करूंगा, जैन की जगह पे मैं यहाँ पे फैब अगर डालू तो एंटर मारते ये देखिए फैब आ जाएगा, मार्च डालू तो मार्च आ जाएगा। बट मेरी एक स्टूडेंट है, मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर है, कोर्स सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे सवाल किया, सर मैं यहाँ टाइप नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ जहां जहां भी कर्सर में रखू उसका यहाँ हाईलाइट हो जाना चाहिए। तो चीजें तो सेम लगेगी, मतलब अभी मैं आज कंडीशन कन्वर्टिंग यहां से रिमूव कर देता हूँ और मैं यहां से रिकॉर्डिंग माइक्रो करता हूँ। हालांकि डायरेक्ट कोड भी कर सकते हैं, बट रिकॉर्डिंग माइक्रो लेके चलते हैं। रिकॉर्डिंग माइक्रो किया और रिकॉर्डिंग माइक्रो के अंदर हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट किया और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए इक्वल टू। अब फिलहाल मैं यहाँ पे जैन लिख देता हूँ, जैन, और कलर में कस्टम कलर आके मैं कलर में अपना खुद का कलर मान लीजिए कि ग्रीन कर दिया, देन ओके, देन ओके। अब यहां से रिकॉर्डिंग माइक्रो को स्टॉप करता हूँ, डेवलपर में जाता हूँ, विजुअल बेसिक पे जाता हूँ, ये रही मॉड्यूल टू के अंदर माइक्रो। बस मुझे यहाँ पे जो जैन लिखा हुआ ना, इसी जैन को चेंज करना है। इसी जैन में क्या करना है, चेंज करना है, बाकी सब जो है उसको जैसा है वैसा रहने दे। इसके दो तरीके हैं। अब एक तरीका है कि यहां पे जैन को चेंज करके देखते हैं, अभी कंडीशन वर्डिंग लग तो चुका है। अब मैं एक काम करता हूँ चेंज करने का माइक्रो, ये तो क्योंकि हर बार 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 लगाएगा तो दिक्कत होगा, तो मैं एक बार, एक मिनट, इसमें रिमूव करने का है कोड, ऑफ कोड, इसने सारे कोड को पहले वाले कोड को रिमूव किया है, नहीं पहले वाले कोड को रिमूव नहीं किया है, तो हर बार नया लगा देगा तो दिक्कत होगा। तो मुझे एक कोड यहाँ और करना होगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो करते हैं, रिकॉर्ड मैक्रो, हमने एरिया को सेलेक्ट किया और इसका जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जो कंडीशंस हैं वो यहाँ से क्लियर कर दें। बस तो यहाँ पे हमें क्लियर करने का कोड मिल जाएगा डेवलपर वाले में, ये रखिए क्लियर कोड का आ गया, सेल्स डॉट फॉर्मेट कंडीशन डिलीट। अब ये सारे कोड को मिला के हम एक माइक्रो तैयार करें, कहाँ पे, इवेंट माइक्रो, किसके अंदर, C3 के अंदर। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद हम पहले वाले कोड जो है इसको लेके जाते हैं, उस यहाँ पे इस वाले कोड को लेके जाते हैं। सिर्फ इसी वाले कोड को उठाते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं। अब रिकॉर्डिंग माइक्रो सब इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग भी इसको लगा सके, इसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। अब सिलेक्शन जहां पे हमने दिया हुआ है उस सिलेक्शन की जगह पे ये वहां पर अरेंज दे देते हैं, ये जरूर रखिएगा, C3 के अंदर जहां जहां सिलेक्शन है वहां वहां इस अरेंज लीजिए। तो इसको हमें करने की जरूरत नहीं है, इसको हटा दिए और सिलेक्शंस के यहाँ पे सिलेक्शंस की जगह पे रेंज हमने डाल दी।
और इससे पहले हमें अपना जो कंडीशन फॉर्मेटिंग हमने लगा रखा है ना यहाँ पे ये वाली, ये देना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर नहीं तो रिपीटेड रिपीटेड हो जाएगी। और सेल्स के जगह पे हम इसको इसी रेंज को ले लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर दिया, यहाँ पे डिलीट कर दिया। अब ये जो यहाँ पे जो जैन हमने लिख रखा है ना, जैन, इसको हटाते हैं, इसमें लिखते हैं यहाँ पे टारगेट, टारगेट डॉट वेल, टारगेट डॉट वेल, और ये सिलेक्शन चेंज भी हमारा लगा हो। अब मैं कहीं भी इसको कोड लिख क्लिक करूंगा, चलो वर्क कर रहा है, जस्ट क्लिक करते वर्क कर रहा है, लेकिन अभी मैं कहीं भी क्लिक करूंगा तो चलेगा। यहां देखिए एरर आ गया, खाली है। तो मैंने बोल यहां पे कंडीशन लगाने पड़ेंगे आपको कि भाई उतना ही चले कि टारगेट वैल्यू का जो कॉलम नंबर है और जो एड्रेस है वो एक लिमिटेड होना चाहिए। तो हमने यहां पे लिखा इफ टारगेट डॉट वैल्यू, टारगेट वैल्यू नहीं, टारगेट डॉट रो इज ग्रेटर देन टू, ग्रेटर देन इक्वल टू टू, एंड यहां पे टारगेट डॉट अगेन रो इज लेस देन इक्वल टू, क्या होना चाहिए, थर्टीन, थर्टीन, एंड टारगेट डॉट कॉलन इज इक्वल टू होना चाहिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन एंड फोर्टीन, तो फोर्टीन कॉलन। और यहां पे हम कर देते हैं दैट, अब यहां पे कर देते हैं एंड इफ। तो मतलब कि ये जो कोड है तभी वर्क करेगा जब हम एक यहाँ पे 213 रो के बीच में और 14 नंबर कॉलम पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज कोई इवेंट नहीं होगा। देखिए यहाँ पे क्लिक किया, वर्क कर रहा है सेम। तो ये तो मैंने एक्सेल मेथड बताया, लेकिन इसी का अगर वीवीए मेथड अगर जानना चाहे तो उसका कुछ अलग सिस्टम है। तो चलिए इसका वीवीए मेथड हम करते हैं सी, इस यहाँ पे ये हटा देता हूँ वीवीए मेथड। तो यहां पे हम सबसे पहले लेते हैं डिम आर एज ए रेंज, और यहां पे हम करते हैं कि फोर एच आर इन कौन सा रेंज है, तो रेंज बी टू से लेके एल थर्टी, तो रेंज बी टू से लेके एल थर्टी, और यहां पे हम नेक्स्ट आर करते हैं। अब यहां पे कंडीशन देंगे कि इफ आर डॉट वैल्यू, सॉरी वैल्यू होना चाहिए, आर डॉट वैल्यू इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, टारगेट डॉट वैल्यू then r dot interior color equal to vv green, vv green, और यहां पे and if, और यहां पहले जो जितने भी ये है कलर है वो तो हटाने पड़ेंगे ना पहले, तो पहले से जो कलर होंगे dot क्लियर फॉर्मेट, तो फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देगा।
या फिर क्लियर फॉर्मेट ना करके यहाँ पे कलर, यहाँ पे कलर सही रहेगा, डॉट कलर, क्योंकि फॉर्मेटिंग में आपको ये भी आ जाएगा ना, डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू एक्सेल नन कर दी। तो पहले हटाना पड़ेगा जो पहले से डलेगा, क्योंकि सिर्फ कलर डाल रहा है ना, यहाँ पे कंडीशन ना हो तो हटा नहीं रहा है, ये हमने कर दिया। और जो कंडीशंस हमने लगाए थे इस शीट थ्री में, ये कंडीशन तो लगेंगे ही लगे, क्योंकि हमारा मैक्रो तभी वर्क होना चाहिए जब ये हमारा एक पर्टिकुलर एरिया पे होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने लिया और यहाँ पे कर देते हैं एंड एफ, सिंपल। अब देखिए अभी सी, और कहीं कर रो नंबर टू और यहाँ पे 13 कॉलम नंबर, एक मिनट कॉलम 14, हाँ है 14 6 है 14। बैकशी सिलेक्शन चेंज, एक मिनट इसको कट करने दीजिए, हाँ इसको रिमूव करने दीजिए, यहाँ पे आया वर्कशीट सिलेक्शन चेंज और यहाँ पे हमने डाला टारगेट डॉट रो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, टारगेट रो इज लेस देन इक्वल टू 13 एंड टारगेट डॉट कॉलम इक्वल टू 14, देन रेंज डॉट B3 से L3 इंटीरियर ऑफ सेक्शन नन, 4 एज आर इन रेंज, ये तो है। बटे वर्क क्यों कर रहा है, ये इवेंट परफॉर्म ही नहीं कर रहा है। अगर इसको हम हटा देते हैं, MSG बॉक्स आए, और इसको हमने यहाँ पे कर दिया, ओ हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ये यहाँ पे कैपिटल है और ये स्मॉल, तो इसमें दिक्कत है सर, वो तो भूल ही गया था मैं, यू केस दोनों को, इसको भी कैपिटल करना हो तब फर्क होगा। तो ये वीवीए मेथड, तो जो मेथड आपको सुटेबल लगे वो मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कंप्लीट वीडियोस तो उस फटाफट मेरे ऐप को कीजिए डाउनलोड। थैंक यू।